आगे भी हम पूरा वाघा बॉर्डर तक बाइक को आराम से भेजेंगे। बस वाघा बॉर्डर, वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका भाई मोहम्मद सलमान रजा कादरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सलमान रजा ऑफिशियल। अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत जल्दी 4 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, यानी 4 लाख की हमारी फैमिली होने वाली है आपकी दुआ से। अल्हम्दुलिल्लाह सैफ भाई की करंट लोकेशन लाइव अपडेट में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो में आखिर तक बने रहे। जब आप लोग इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ सैफ भाई अभी कहाँ रुके हुए हैं और अभी कहाँ रुके हुए हैं और रात कहाँ रुके थे और अब किधर को वो जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, तो उससे पहले छोटी सी गुजारिश है, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन का बटन दबा दो। इससे क्या होगा कि आने वाली सारी वीडियो आपके पास इंशाल्लाह टाइम टू टाइम यानी पहुँचती रहेंगी, और भी जितनी भी सैफ भाई की लोकेशन है और भी कुछ बातें आप तक पहुँचती रहेंगी। और एक बात मेरे अजीजों, ये जो नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मेरा नंबर नहीं है और ना ये नंबर सैफ भाई का है। जिस किसी भाई को अगर आयुर्वेदिक दवा की जरूरत हो तो इस नंबर पर फोन करें, वरना नहीं करें। मेरा नंबर नहीं है ना ही ये नंबर सैफ भाई का है जो ये नंबर देख रहे हैं आप। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सैफ भाई की करंट लोकेशन लाइव अपडेट बताता हूँ आपको। सैफ भाई की लोकेशन ये है। उससे पहले एक बात और, मैं आपके लिए दिल से दुआ करता हूँ। आप जानते हैं बाखूबी, आप सब जानते हैं, जो मुझे पहली बार देख रहे होंगे उन्हें शायद नहीं पता होगा, लेकिन इंशाल्लाह मैं सबके लिए दुआ करता हूँ, सैफ भाई के लिए और आपके लिए, हर मुसलमान भाई बहन के लिए मैं दुआ करता हूँ, और अपने भारत देश में यानी अपने इंडिया में अमन सुकून रहे मैं ये भी दुआ करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अजीज साथियों, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। तो सैफ भाई की करंट लोकेशन ये है। देखिए कल थोड़ी सी छोटी सी हमसे मिस्टेक हो गई, और वो हमारे जो जमाल बाबा हैं, जैसे कि देख रहे हैं पीछे साइकिल वाले बाबा, ये बाबा जो हैं, ये बाबा से थोड़ी सी मिस्टेक ये हो गई कि कल मैंने आपसे बताया था कि पंजाब के जिला फिरोजपुर में है और जिला फिरोजपुर के गांव मक्कू में रुके हुए हैं सैफ भाई, और मक्कू में रुकने के बाद में वो फजर की नमाज के बाद में 5 बजे वो फजर के टाइम में वो निकल गए, यानी कि मतलब 5 बजे वो निकले थे। लेकिन हाँ ये बात सच है, मिस्टेक हमसे ये हुई है बाबा जमाल बाबा से, कल 18 सितंबर में सैफ भाई निकले बेशक जरूर थे, लेकिन वो निकलने के बाद में मक्कू में ही आगे किसी और भाई के मकान पर रुक गए। हाँ भाई मेरे, तो पंजाब स्टेट है और कल 18 सितंबर में भी वो मक्कू में ही थे और आज भी मक्कू में ही हैं। रात शाम तक सैफ भाई किधर जाएंगे इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी बता दिया जाएगा। आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल पर बने रहें, अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए सैफ भाई से रिलेटेड जो हमारे बाबा जमाल बाबा छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, साइकिल वाले बाबा, तो ये हमें क्या अपडेट दी थी इन्होंने कल और अभी इन्होंने क्या बताया है उसको सुन लेते हैं। छोटी सी मिस्टेक हो गई थी तो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी हो जाता, लेकिन मिस्टेक ऐसी नहीं भाई, वो जमाल बाबा तो साइकिल से हैं बेचारे। अब वो जहाँ पर रुकते हैं सैफ भाई के पास तो वो रुकते नहीं है, मान लो सैफ भाई इस घर में रुके हुए तो वो कहीं ना कहीं ढाबे पे या कहीं आसपास के घर में रुकना पड़ता है उनको, क्योंकि अब ऐसा बहुत सारे लोग हैं ना वहाँ पर, किसी किसी सैफ भाई की टीम मेंबर जो है वही उनके साथ रहते हैं, जमाल बाबा उनके साथ साथ हैं लेकिन वो कहीं और रुकते हैं। अब मैं आपसे बता दूं कि छोटी सी मिस्टेक सिर्फ ये हुई है कि जमाल बाबा ने सोचा कि सैफ भाई जो है यहाँ से निकल गए और वाकई वहाँ से निकले थे उस घर से। हमने कल एक रिपोर्ट दी थी कि सैफ भाई वहाँ से निकल चुके हैं, लेकिन वो निकले नहीं थे, वो सुबह लोगों के साथ वॉकिंग पे निकले हुए थे और कुछ भी वॉकिंग का मतलब होता है घूमना सैर सपाटा, तो उन्होंने वहाँ से निकल करके कुछ दूर तक वॉकिंग करके, कुछ वॉकिंग करने के बाद सैफ भाई फिर दूसरी तरफ से होते हुए फिर उसी जगह पर आकर ठहरे हुए हैं। वो मेरे को बताने में थोड़ी सी गलती हुई जिससे मैं माफ़ी चाहता हूँ, तमाम हजरात लोगों से गुजारिश है, ये मेरे से गलती हो गई कि मैंने एक शब्द निकाल दिया कि वो वहाँ से चले गए थे, वो मक्कू में ही हैं इस समय भी, सैफ भाई मक्कू में ही ठहरे हुए हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आज शाम को नमाज मगरिब या ईशा की नमाज के बाद निकलने का ऐसा खबर मिल रही है, और जैसा भी होगा हम आपको अगले एपिसोड में आपको बताएंगे कि सैफ भाई कहां पर हैं। इस गलती के लिए हम तमाम दर्शकों से माफ़ी मांगते हैं कि हमसे मुंह से निकल गया कि सैफ भाई मक्कू से निकल गए हैं, लेकिन वो निकले नहीं थे, वो सुबह सुबह वॉकिंग करने के लिए गए थे और वॉकिंग करके फिर दूसरी तरफ से उसी जगह फिर आ गए हैं। और तब तक के लिए बने रहें सलमान रजा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। बहरहाल वीडियो लंबा नहीं करना मेरे ऐसी, तो आप ये जान लें सैफ भाई जो है आज 19 सितंबर में भी मक्कू में है और आज शाम तक ये दोपहर तक जहाँ भी निकलेंगे इंशाल्लाह आपको बता दिया जाएगा। आगे की अपडेट सैफ भाई के अलावा किसी को पता नहीं होती है, तो सैफ भाई की जो अपडेट आएगी इंशाल्लाह आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल सैफ भाई मक्कू में है और मक्कू जिला फिरोजपुर में है और पंजाब स्टेट है, ठीक है। बाघा बॉर्डर, हाँ बाघा बॉर्डर 80 किलोमीटर है, अल्हम्दुलिल्लाह बाघा बॉर्डर 80 किलोमीटर है। आप लोग चैनल पर बने रहे इंशाल्लाह, बाघा बॉर्डर से आपको इंशाल्लाह जमाल बाबा के जरिए लाइव लोकेशन दिखाएंगे बिल्कुल, जब सैफ भाई बाघा बॉर्डर से पाकिस्तान के अंदर एंट्री करेंगे, तो बहुत जल्दी 1 हफ्ते के अंदर अंदर
एक भाई ने बताया। और हाँ एक बात और मेरे अजीज साथियों, देखिए शिहाब भाई की जो टीम मेंबर हैं, जो मेन बात मैंने इस वीडियो में छोड़ दी, उसको बता रहा हूँ कि मेन बात यह है, शिहाब भाई की जो टीम मेंबर हैं उनके साथ साथ शिहाब भाई के पाकिस्तान के अंदर कौन कौन एंट्री कर सकता है। देखिए बहुत ज़रूरी बात है मेरे भाइयों, ये बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात को पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान में अंदर को अकेले जाएंगे, वो बॉर्डर को पार अकेले करेंगे, उनके साथ कोई और भी जाएगा, आगे लोग इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन मेरे अजीज साथियों, अब वहाँ के लोग इंतज़ार तो कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ शिहाब भाई के जो अपने कुछ मामलात हैं, अब उसको भी देखना पड़ेगा कि हाँ शिहाब भाई के टीम मेंबर एक या दो उनके साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे। बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप इस वीडियो में सुन लें कि शिहाब भाई से जब एक बंदे ने कहा था, जो उदयपुर के रहने वाले हमारे भाई, उन्होंने जब कहा था कि हम इंशाल्लाह शिहाब भाई को बाघा बॉर्डर तक साथ खरीद के पहुँचाएंगे, तो शिहाब भाई ने बीच में एक रोक लगाई थी इस बात पर, आगे भी हम पूरा बाघा बॉर्डर तक भाई को आराम से भेजेंगे। बस बाघा बॉर्डर, वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान पूरा, यानी बोल गए थे बीच में, क्या कहा था कि बस बाघा बॉर्डर तक ही, बस बाघा बॉर्डर, तो बोले नहीं इंशाल्लाह ताला बाघा बॉर्डर के बाद पाकिस्तान तक भी इंशाल्लाह पहुंचाएंगे। तो उस बात से ये जाहिर होता है कि जहां तक मुझे उम्मीद है कि शिहाब भाई के साथ उनकी टीम मेंबर एक दो बंदा ज़रूर जा सकता है, शायद हो सकता है उसका भी वीज़ा उन्होंने वेरीफाई करा लिया हो, चलिए वो तो खैर आगे के अपडेट में पता लगेगा, लेकिन बहुत सारे भाई बहन पूछ रहे हैं इस बात को, इसलिए हमने ये बात बता दी, तो ताकि लोगों को पता चल जाए कि हाँ क्या आगे को उनके टीम मेंबर साथ जाएंगे नहीं जाएंगे, शिहाब भाई अकेले जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शिहाब भाई की मैंने आपको करंट लोकेशन बताई कि मक्कू में ही रुके हुए हैं, अब जो आगे की अपडेट आगे इंशाल्लाह आपको बता दिया जाएगा। चैनल में बने रहें और इस कलाम को सुनकर जाएं, इस कलाम को बस मल्ली दिल से पढ़ा है मैंने यार, सुन लें प्लीज़, अगर अच्छा लगे तो दुआओं से नवाजें और दिल से दुआ करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें, आप कलाम सुने, आप सुने तो सही, थोड़ा सा सुन के जाएं और आपको अच्छा लगेगा तो इंशाल्लाह पूरा सुनेंगे, और फिर बाद में लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ठीक है, चलिए सुनाता हूँ। आशिक़े मुस्तफा बन के देखो सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी, आशिक़े मुस्तफा बन के देखो सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी, आशिक़े मुस्तफा बन के देखो सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी, हाँ सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी, आशिक़े मुस्तफा बन के देखो सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी, हाँ सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी, मेरा दावा है, मेरा दावा है रोज़े क़यामत, क़यामत मेरा दावा है रोज़े क़यामत, उनके सदक़े में जन्नत मिलेगी, मेरा दावा है रोज़े क़यामत, उनके सदक़े में जन्नत मिलेगी। मोहब्बत से सुने, जो अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं सुने, कि माँ के कदमों में जन्नत बसी है, उनकी खुशियों में रब की खुशी है, हाँ उनकी खुशियों में रब की खुशी है, घर से निकलो तुम, घर से निकलो दुआ लेके माँ की, घर से निकलो दुआ लेके माँ की, हाँ माँ की, घर से निकलो दुआ लेके माँ की, तो हर तरफ तुमको शोहरत मिलेगी, घर से निकलो दुआ लेके माँ की, घर से निकलो दुआ लेके माँ की, तो हर तरफ तुमको शोहरत मिलेगी, मेरा दावा है रोज़े क़यामत, क़यामत मेरा दावा है रोज़े क़यामत, उनके सदक़े में जन्नत मिलेगी, आशिक़े मुस्तफ़ा बन के देखो, आशिक़े मुस्तफ़ा बन के देखो सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी, मेरा दावा है रोज़े क़यामत, क़यामत मेरा दावा है रोज़े क़यामत,
उनके सदके में जन्नत मिलेगी। तो प्यारे दोस्तों, अभी आपने देखा कि हमने शेफ भाई की लोकेशन आपको बता दी कहां पर हैं, और कलाम भी सुना दिया, और जमाल बाबा की लोकेशन भी आपको दिखा दी। जमाल बाबा ने क्या कहा, अभी थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी लेकिन वो उन्होंने बता दिया कि हाँ ये बात हुई थी। चलिए, बहरहाल आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि इंशाल्लाह आने वाली शेफ भाई की लोकेशन पाकिस्तान तक बाघा बॉर्डर तक आपको मिलती रहे। और उम्मीद करेंगे इंशाल्लाह ताला जो प्लान बनाया था इंशाल्लाह वो कामयाब हो, आगे पाकिस्तान में जब एंट्री करेंगे तो वहाँ की लोकेशन भी आपको दी जाएगी इंशाल्लाह। बस दुआ करें इस बात के लिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें, प्लीज यार नमाज का ख्याल रखें, नमाज जरूर पढ़ें, पांचों टाइम की नमाज पढ़ें, वालिदैन का ख्याल रखें, वालिदैन की इज्जत करें, और आजिज़ी के साथ में लोगों से पेश आएं, जैसे कि मैंने आपसे बताया था पिछली वीडियो में। तो इंशाल्लाह ताला बहुत बहुत शुक्रिया आपका, दिल से शुक्रिया कि मुझे देखते रहते हैं, कमेंट्स करते हैं, लाइक भी करते हैं, और मुझे पूरी सपोर्ट आप दे रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखें, अल्लाह आपकी नेक जायज़ तमन्ना पूरी करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।